नमस्कार दोस्तों, BSA ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के आप लोग के इस SSC MTS की क्लास में यहाँ पर सामान्य ज्ञान के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन का लेवल कैसा रहने वाला है, आज हम यहाँ पर आप सभी के साथ उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आज आप लोग के मॉक टेस्ट का पार्ट नंबर 10 रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी को अरेंज करना है जो नीचे दिए गए राज्य हैं उनको क्षेत्रों के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में आपको एडजस्ट करना है। तो फिलहाल बताएगा दोस्तों, सबसे पहले कौन सा राज्य आएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से बताना है, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद। तो ये रहा दोस्तों आप लोग के सामने चार ऑप्शन। तो बताएगा दोस्तों यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो देखिए दोस्तों, आपको बताते हैं यहाँ पर अगर हम बात करेंगे राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि देखेंगे तो देखिए सबसे पहले आता है तमिलनाडु, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल है यहाँ पर 130,058, ठीक है ना, ये वर्ग किलोमीटर में। फिर आता है कर्नाटक, फिर आता है आप लोग का गुजरात, और फिर आता है आप लोग का महाराष्ट्र, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र भारत का तीसरा और गुजरात का सबसे बड़ा जो है, यहाँ पर गुजरात जो छठा सबसे बड़ा राज्य, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग का जो आंसर आएगा वो आएगा आप लोग का सेकेंड वाला। चलिए फिलहाल अब देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। तो चलिए फिलहाल अब आप लोग को यहाँ पर ये बताना है कि निम्नलिखित जल प्रपातों में से कौन सा जो है वेनेजुएला में अवस्थित है। तो चलिए फिलहाल आप लोग को बताते हैं कि वेनेजुएला में स्थित एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे बड़ा निरंतर बहने वाला जलप्रपात है, और इसकी ऊंचाई जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था आप लोग का 979 मीटर है, ओके। चलिए इसके बाद देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड ईयर आप सभी के सामने। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को राज्यसभा में नामित किया जा सकता है। देखिए अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो हमारे संविधान की धारा 80 के अंतर्गत राज्यसभा की रचना की गई थी, और जिसमें जो है अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 थी। अब इन 250 से 12 सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं, जो कि आप लोग के साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से संबंधित क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों में से 12 व्यक्ति राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ से सही जवाब आएगा आप लोग का थर्ड। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो देखिए विटामिन सी की कमी से आप लोग का स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, तो यहां से करेक्ट आंसर आएगा आपका सी, ओके। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सी राई नदी के किनारे अवस्थित है। तो देखिए यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन का जो आप लोग का करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा आप सभी का यहाँ पर फोर्थ वाले, यानी कि ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। तो इन पर्वतों में से जो है कौन सा राइन नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये है आप लोग का ब्लैक फॉरेस्ट। अब देखिए आपको बताना है यहाँ पर, देखिए अगर आप लोग के अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग के करेक्ट होने लगे तो बस आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन को इसी तरीके से बेस्ट बढ़ाते चले जाइए, बेहतर और बेहतर कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई सभी लोग जानते हैं कितनी होती है दोस्तों आप लोग की। देखिए दोस्तों अगर हम बताएं इसका लंबाई और चौड़ाई में, तो देखिए ध्वज की जो लंबाई है चौड़ाई से 1.5 गुना ज़्यादा होती है। तो यहाँ से दोस्तों इसका लंबाई, पहले आप लोग का देख रखा है चौड़ाई और फिर दे रखी है आप लोग को लंबाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा चौड़ाई होती है इसकी 2 और लंबाई होती है यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा आप लोग का यहाँ से ये रेशियो जो आएगा वो आएगा आप लोग का ये, ठीक है। अगर दोस्तों इस तरीके से फ्लैग को देखेंगे तो ये 3 होता है और ये होता 2, ठीक है, लंबाई 3 चौड़ाई 2। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के कौन सा आर्टिकल में जो है नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। तो देखिए यहाँ से सही जवाब होगा आप लोग का आर्टिकल नंबर 312, ओके। अब देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी। तो देखिए यहाँ से आप सभी का जो सही जवाब आएगा, अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि के द्वारा की गई है, तो यहाँ से जिसका भी आंसर सेकंड आया बिल्कुल करेक्ट है। आप देखेंगे हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए मैं तो आप लोग के साथ इजी लेवल के, मॉडरेट लेवल के हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो ये तो आप लोग बिल्कुल मत सोचिए कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन मेरे पास हिंदी में ही है सिर्फ, जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग को करा दिए जाएंगे, लेकिन वो इंग्लिश में इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ओके। लेकिन मैं कराऊंगा आप सभी को ज़रूर, तो आप लोग उनको भी ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है। आप लोग को टोटल यहाँ पर कम से कम दोस्तों जो है 5,000 से 6,000 क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करके जाने ही है इस एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए आपको बताने कि नीचे दी गई नदियों में से कौन सी अरब सागर में बहती है। तो 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा आप लोग का फर्स्ट वाला नर्मदा नदी। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है, महाराजा कनिष्क किस राजवंश से हैं। तो देखिए मैंने कल भी आपको बताया था ये क्वेश्चन, कई बार आपके एग्ज़ाम में आ चुका है,
और फिलहाल सही जवाब है आप लोग का कुशाण वंश से। पूना संधि जो है किन के बीच की गई थी? अगर हम बात करें पूना संधि की तो करेक्ट आंसर होगा गांधी जी एवं अम्बेडकर के बीच। तो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का यहाँ से फर्स्ट वाला। चलिए अब देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए नीचे दिए गए कौन से में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के पद पर नहीं रहे थे? तो आपको बताना कौन से गवर्नर नहीं बने हैं। तो देखिए इनका जो नाम है ये है आप लोग के भारतीय अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यम। ये वर्तमान समय में आप लोग को बता दें 16 अक्टूबर 2014 को जो है मुख्य रूप से आर्थिक सलाहकार के पद पर आसीन थे। तो यहाँ से आपका सही जवाब क्या आएगा? ये आएगा आप लोग का अरविंद सुब्रमण्यम, जो कि यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के पद पर नहीं रहे, बाकी आप लोग के सभी लोग रह चुके हैं। अब देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन कि नीचे दिए गए किन रंगों में तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसकी होती है? तो देखिए तरंग दैर्ध्य जो है सबसे ज़्यादा होती है आप लोग के यहाँ पर लाल रंग की, और सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य होती है ये होती है फिलहाल आप लोग के बैंगनी रंग की। तो यहाँ से आप सभी का करेक्ट आंसर आएगा वॉयलेट। लेकिन प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किसका होता है? अगर बात करते हैं क्वेश्चन में कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो ये होता है आप लोग का बैंगनी रंग का, और लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद देखेंगे हमारा नीचे दिए गए भाषाओं में संयुक्त राष्ट्र की राजभाषा कौन सी है? तो 16 का करेक्ट आंसर आएगा फिलहाल आप लोग का फर्स्ट वाला अरबी। ओके अब देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन। देखिए आपको बता दें फिलहाल संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज में केवल 6 भाषाएं हैं। इसमें आप लोग की अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी और स्पेनिश है। ये 6 भाषाएं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश, ये सारी भाषाएं शामिल हैं। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? तो फिलहाल दोस्तों ये है आप लोग का श्रीहरिकोटा में। तो करेक्ट आंसर आएगा आप लोग का सेकंड। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है कि इला बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फिलहाल दोस्तों हेडक्वार्टर है आप लोग का इलाहाबाद बैंक का, ये है आप लोग का थर्ड कोलकाता में। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। आपको यहाँ पर ये बताना है कि चिट्टागोंग शस्त्रागार छापा किस क्रांतिकारी नेता से जुड़ा है? तो देखिए 19 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा आप लोग का सेकंड वाला सूर्य सेन, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको यहाँ पर ये बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक को यहाँ पर कितने करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है? अगर दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर नोट छापना चाहे तो कितने रुपए तक के नोट यहाँ पर छापे जा सकते हैं? तो देखिए आरबीआई को 10,000 रुपए तक की करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में किए गए संशोधन के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर आरबीआई इससे अधिक मूल्य के करेंसी नोट को छाप सकता है। वर्तमान समय में आप लोग के 10, 100, 500, 2,000 के नोट जो है इस टाइम वर्तमान समय में छापता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाती है तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला 10,000 रुपए तक। अब देखते हैं हमारे भारत के संविधान के मुताबिक मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो देखिए मौलिक कर्तव्यों की संख्या आप लोग की वैसे वर्तमान समय में कितनी है? 11 है, लेकिन आपको बताते हैं इसके बारे में। देखिए आपको बता दें कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 1946 में जब आप लोग का 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो इसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों की सूची संविधान में जोड़ी गई थी, लेकिन जब 2002 में पुनः 86वां संविधान संशोधन हुआ तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 11 कर दी गई। तो ध्यान रखिएगा वर्तमान समय में आप लोग का 11 है, ये आप लोग के 11 किए गए थे 86वां संविधान संशोधन के तहत। ये क्वेश्चन भी आप लोग के एग्जाम में आ चुका है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? अगर दोस्तों आज की वीडियो आप लोग को इंटरेस्टिंग लगे और हेल्पफुल लगे तो आप सब लोग मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बस आप सबको सिर्फ इतना ही करना है, आप लोग का अपना BSA ट्रिकी क्लास चैनल है, जितना अच्छा आप लोग कर सकते हैं बस अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बाकी मुझसे जितना हो सकेगा मैं तो आप लोग के लिए करता ही रहूँगा कंटिन्यू। तो फिलहाल दोस्तों बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आप देखते हैं हमारे 22 का करेक्ट आंसर होगा आप लोग का केरल। तो सबसे बड़ा रबर उत्पादक जो राज्य है वो है आप लोग का फिलहाल केरल। अब देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी ईटानगर है? तो यहाँ से आप सभी का सही जवाब आएगा फिलहाल अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर आएगा आप लोग का AP। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, हांगकांग का ऑक्यूपाई सेंट्रल आंदोलन किसके दिमाग की उपज है? देखिए जो आप लोग का ऑक्यूपाई सेंट्रल है ये जो है किसके दिमाग की उपज है? फिलहाल ये आप लोग का बेनिताई यूथिंग की। तो फर्स्ट ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आपको यहाँ पर दिया गया कि 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो देखिए 125 का जो आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये आप लोग का है बिल्कुल हेड से।
ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है। तो देखिए यहाँ से आपका सही जवाब आएगा फिलहाल व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, तो यानी कि सेकेंड ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कि दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आपको बता दें सही जवाब है आप लोग का एंड्रॉयड बैरोमीटर का, तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए आपका दिया गया है, अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट की, तो दोस्तों ये जो है किसके कारण स्थगित किया गया था। तो दोस्तों आपको बता दें फिलहाल सही जवाब है आप लोग का चौरी चौरा कांड, यानी कि दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आप लोग का सेकेंड वाला। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, यदि यहाँ पर MgCl2 मतलब दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे, अगर दोस्तों यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड के अगर दो, ठीक है ना, अगर दो अणु को हम लोग हटा दें, जैसे कि इसके एक मिलियन दे रखा है यहाँ पर कि MgCl2 में एक मिलियन Mg दो आयन है, तो उसमें क्लोराइड आयन कितने होंगे। तो देखिए अगर हम बात करें क्लोराइड आयन की, तो आपको बताते हैं जैसे कि इस सूत्र का प्रयोग करने पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस MgCl2 में से एक मोल और एक मोल आप लोग का Mg आप लोग का दिया गया मैग्नीशियम दो आयन से, तो यहाँ से हम लोग क्लोराइड की यहाँ से हमें प्राप्ति होती है, और जब यह प्राप्ति हो जाती है तो मैग्नीशियम जो क्लोराइड है इसके प्रत्येक अणु में जो है क्लोराइड के आयन के दो अणु आ जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा MgCl2 में 1,000,000 Mg2+ आयन होते हैं, इसमें जो है 2,000,000 क्लोराइड आयन होंगे। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आप लोग का यहाँ से बिल्कुल फर्स्ट वाला 2,000,000। 2,000,000 का मतलब होता है 2,000,000 क्लोराइड। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको यहाँ पर जैसे कि बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है। तो देखिए यह है आपका ब्राज़ील, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसके बाद देखेंगे हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ से आपका सही जवाब होगा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 को बेकिंग सोडा बोलते हैं, तो करेक्ट आंसर आएगा आप लोग का सेकेंड वाला। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है। तो 33 का करेक्ट आंसर आएगा फिलहाल आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड का, सूखी बर्फ जो है वो फिलहाल आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है, देखिए तालचेर जो है फिलहाल ये आप लोग के भारी जल संयंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आएगा फिलहाल फर्स्ट। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था। तो 36 का करेक्ट आंसर होगा आप लोग का फिलहाल अकबर, अकबर ने जजिया का उन्मूलन कर दिया, इसे जो है फिलहाल हिंदुओं से वसूल किया जाता था, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आएगा फिलहाल आप लोग का अकबर, क्लियर है ओके। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ये बताना कि जीन शब्द को गढ़ने से संबद्ध व्यक्ति का नाम बताइए। तो देखिए आप लोग को बता दें यहाँ पर यद्यपि जो है ग्रेगर मेंडल को जो है सबसे पहले पृथक डायोगिक इकाइयों के अस्तित्व का सुझाव दिया था, लेकिन उन्होंने जीन शब्द का प्रयोग नहीं किया था, ठीक है ना, तो इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आप लोग का जॉनसन, तो जॉनसन आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपको यहाँ पर ये बताना है कि पृथ्वी की अवधारणा जो है कब और कहाँ से शुरू हुई। देखिए अगर हम बात करें पृथ्वी घंटे की अवधारणा, व्हेन एंड वेयर डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ आवर बिगिन। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर जो होगा आप लोग का 138 का योगा आप लोग का यहाँ से फोर्थ वाला, मार्च 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, ओके। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है, जब किसी कुंडली में कुंडलों की संख्या कुंडली के लंबाई में कोई परिवर्तन किए बिना 3 गुनी कर दी जाती है, तो उसका प्रेरत्व जो होता है दोस्तों प्रेरकत्व, तो वो कितना हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये 3 गुना कर देंगे तो प्रेरकत्व कितना हो जाएगा उसका, 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर आएगा आप लोग का 9 टाइम्स, क्योंकि आप लोग को बता दें प्रेरकत्व वाला बराबर होता है आप लोग का μ0π, ठीक है ना, ब्रैकेट में nr का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में आपको दिया गया है 2, ठीक है। लेकिन जब इसको 3 गुना कर देंगे दोस्तों तब यह क्या होगा आप लोग का, 3 गुना करने पर दोस्तों ये आप लोग का क्या बन जाएगा, जस्ट यहाँ पर आप लोग को स्क्वायर दे रखा है n, है ना, n के लिए यहाँ पर 1 है, लेकिन जब 3 गुना कर दोगे तो n के लिए 3 हो जाएगा, तो इस 3 का स्क्वायर करेंगे तो आप लोग का आ जाएगा 9, ये जस्ट सेम रहेगा, आगे आपका 9 आ जाएगा तो 9 गुना बन जाएगा, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला। अब देखते हैं विश्व कोयला भंडार का पर्याप्त 50% जो है किसके पास है। तो 50% लगभग जो है चीन भारत और रूस के पास ही है, तो यहाँ से आपका यहाँ से जो आप लोग का करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा आप लोग का अमेरिका, रूस और चीन के पास, भारत के पास इतना नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा आप लोग का अमेरिका के पास है करीब 22%, ठीक है ना, 22.6%, फिर है रूस और फिर आता है चीन, तो यहाँ से करेक्ट आंसर आएगा आप लोग का फर्स्ट। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना? सबसे पहले भारतीय जो कि ब्रिटिश संसद के सदस्य बने हैं, ये आप लोग के थे श्री आप लोग के दादा भाई नौरोजी जी। तो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का यहाँ पर, और इन्हें जो हम लोग ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में रिपीट हो चुका है, क्लियर है ना? तो बिल्कुल, अब देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आपको बताने कि निम्नलिखित में से विषम क्या है। तो दोस्तों 143 का जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा आप लोग का SNMP, ये सबसे आप लोग का अलग है, ठीक है ना। SNMP का मतलब होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा थर्ड। अब देखते हैं अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था। तो यहाँ से 45 का करेक्ट आंसर आएगा राजा टोडरमल। तो आपका देखिए सही जवाब होगा फिलहाल सेकंड वाला। इसके बाद देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन कि वस्तु विनिमय सन व्यवहार का अर्थ क्या है। तो देखिए वस्तु विनिमय सन व्यवहार का जो अर्थ है फिलहाल ये क्या है, तो आपको बता दें ये है फिलहाल आपका वस्तु का विनिमय वस्तुओं के साथ किया जाता है, ठीक है। वस्तु का जो विनिमय है वस्तुओं के साथ किया जाता है, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में बनी प्रथम बोलने वाली फिल्म कौन सी थी। तो देखिए भारत में जो पहली प्रथम बोलने वाली जो फिल्म थी ये थी आप लोग की यहाँ पर आलम आरा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद देखते हैं हमारा प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज जो है दिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका सही जवाब क्या आएगा, प्रतिवर्ष जो है कम से कम 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन इनमें जो है अभी हाल ही में जो है परिवर्तन किया गया है, ठीक है। शायद इनकी संख्या जो है बढ़ाकर जहाँ तक 7 कर दी गई है। तो यहाँ से फिलहाल तो इसमें इसके अकॉर्डिंग तो आंसर आप लोग का 6 है। अब देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है। तो सही जवाब होगा आप लोग का ब्रिटेन से। तो फिलहाल दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आज की क्लास के ये प्रश्न आप लोग को हेल्पफुल लगे हों तो आप लोग शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा लेवल अगर आप लोग का इंक्रीज किया जाए, बट वो सारे क्वेश्चन मेरे पास हिंदी लैंग्वेज में है, तो आप लोग बता सकते हैं। मैं आप लोग के साथ सारे क्वेश्चन फिलहाल डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि आप लोग के परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों कुछ और इसी तरीके से लेटेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बने रहिए दोस्तों आप लोग अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तब तक के लिए नमस्कार।